जय माता दी फ्रेंड। तो चलिए आज कन्या पूजन के अवसर पे हम बनाते हैं काले चने और गर्मा गर्म माता रानी के लिए हलवा का प्रसाद बनाएंगे, और हलवे के प्रसाद के साथ साथ ही हम बनाएंगे मेथी और अजवाइन वाली पूरियां। माता रानी को जो प्रसाद में भोग लगाई जाती है, तो मैं हमेशा इसी तरीके से कन्या पूजन का प्रसाद बनाती हूँ, तो ये पूरी वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। तो आज हम बनाएंगे कन्या पूजन का प्रसाद की रेसिपी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। नमस्कार, आप सभी लोगों को मेरी तरफ से नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की जो मेरी रेसिपी है वो कन्या पूजन का मैं प्रसाद बना रही थी कंजकों को खिलाने के लिए। तो आप लोग ये पूरी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए, और बहुत आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप मैं कन्याओं का प्रसाद तैयार करूंगी। तो आप लोग भी देखिए और आप लोग भी ट्राई करिए कि कैसे आप स्टेप बाय स्टेप कन्याओं का प्रसाद बनाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कन्या पूजन के लिए प्रसाद बनाते हैं। तो ये व्रत वाले चने बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1 किलो चने लिए हैं काले चने। इसको मैंने रात को ही भिगोने के लिए रख दिया था, तो ये रात भर भीगे हुए चने हैं, अच्छे से फूल चुके हैं। तो अब मैं यहाँ पे इनको बनाने के लिए कुछ मसाले ऐड करती हूँ। मैं इसका एक बैटर बना लेती हूँ, और यहाँ पर मैं 1 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर लूँगी। यहाँ पर मैं चने मैं ज़्यादा ले रही हूँ, तो इसीलिए मैं उसी के अकॉर्डिंग मसाले डालूंगी। आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चनों के हिसाब से मसाले डालिए। अब मैं यहाँ पे 2 से 3 चम्मच धनिया पाउडर डालूंगी, और 2 चम्मच जीरा पाउडर, और 1 चम्मच गरम मसाला, और 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर है। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं, कम और ज़्यादा। और ये व्रत वाले चने हैं, इसको पूजा में रखने हैं, कन्याओं के लिए मैं बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पे सैदा नमक डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सैदा नमक, जो व्रत में जो नमक हम लोग खाते हैं वो वाला नमक डाल देंगे। तो मैं इसे डाल के इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी इन मसालों को, और यहाँ पे धीरे धीरे पानी डाल के एक लम्स फ्री बैटर बनाऊँगी मसालों का। ये इसलिए मैं बना रही हूँ क्यों जो मसाले हैं वो जब पानी में भीग जाते हैं तो बहुत अच्छा इसका टेस्ट आता है, मसालों का बहुत अच्छे से फूल जाते हैं। 5-10 मिनट इन मसालों को अलग से रखना होता है। तो जब तक ये मसाले रखे हैं, तो मैंने यहाँ पर तेल लिया है 2 बड़े चम्मच, और यहाँ पे मैं 1 से 1.5 चम्मच जीरा डाल दूँगी। तेल गरम हो चुका था, मस्टर्ड ऑयल है ये, तो इसको जीरा फ्राई हो रहा है। जैसे जीरा फ्राई हो जाएगा तो हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे, और लो फ्लेम पे जो मैंने ये बैटर बनाया है, ये देखिए लम्स फ्री बैटर, और बहुत अच्छे से ये फूल चुका है। मसाले जो मैंने भिगो के रखे थे 5 मिनट के लिए, तो बहुत अच्छा टेक्सचर आ चुका है मसालों का। अब हम यहाँ पे लो फ्लेम पे धीरे धीरे करके ये सारा मसाला हमको तेल में डालना है, धीरे से बहुत केयरफुल होना है इस टाइम पर। अब हम यहाँ पे सारा मसाला डालने के बाद इसको कंटिन्यू स्टियर करते रहेंगे, लो टू मीडियम फ्लेम पे हमें इस मसालों को भूनना है, ताकि अच्छे से मसाले भून जाएं तेल में। ये देखिए ये मसाले भून चुके हैं, और पूरा तेल छोड़ दिया है मसालों ने, बहुत अच्छे से भून गए, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मैं हमेशा इसी तरीके से कन्या पूजन के लिए मसाले तैयार करती हूँ, चने का प्रसाद बनाती हूँ माता के लिए। तो अब यहाँ पे हम लोग इस स्टेज में इन चनों को ऐड कर देंगे। जब मसाले इस तरीके से तेल छोड़ देंगे, तो अब चने ऐड करने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स करना है। 3-4 मिनट हम इसको ऐसे ही मसालों के साथ भूनेंगे चनों को। यहाँ पे अभी मैंने फ्लेम कम रखी है। अब मैं यहाँ पे पानी ऐड करूँगी, तो मैं यहाँ पे 2 गिलास पानी डाल रही हूँ, और इसके बाद हमको इसे 4 से 5 सीटी आने के लिए, इसको पकने के लिए हमको छोड़ देना है लो टू मीडियम फ्लेम पे। इसको हम सीटी लगाने के लिए छोड़ देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए कितना अच्छा टेक्सचर हो लग रहा है मसालों का पूजा के लिए, और ये बिल्कुल सूखे ड्राई चने बनके तैयार होंगे। और अब हम इसमें ढक्कन लगा के इसको 4-5 सीटी आने के लिए छोड़ देते हैं। देखिए अब चेक कर लेते हैं, 4 से 5 सीटी आ गई है, और इसकी अभी ये सीटी निकल गई है। चने पक चुके हैं, मैं इसको देखती हूँ इसमें पानी बचा है क्या। अभी इसमें हाँ थोड़ा सा पानी दिखाई दे रहा है, तो मैं क्या करूँगी अब इसको ऐसे ही गैस ऑन करके इसको बिना ढक्कन लगाए हमको तब तक इसे पकाएंगे, तब तक जब तक कि ये जो पानी है ये पूरा अच्छे से सूख ना जाए। ये देखिए इसके बाद ये एकदम मसालेदार चने बनेंगे। मैं इसके गैस ऑन कर देती हूँ,
और उसको पकने के लिए छोड़ देती हूँ और बीच बीच में इसे कंटिन्यू स्टियर करते रहेंगे। तो देखिए 5 मिनट के बाद मैंने मीडियम फ्लेम पे ये चने बनाए थे, तो ये मसालेदार चने कन्या पूजन के लिए मेरे तैयार हो गए हैं। ये देखिए कितने मसालेदार हैं, सारा पानी जो है वो सोख लिया है, सूख गया है चनों के साथ ही। तो देखिए कितने अच्छे चने तैयार हैं। अब करते हैं हलवा की तैयारी और बनाते हैं हलवा। चलिए यहाँ पे मैंने आधा किलो सूजी ली है, ये बारीक वाली नॉर्मल सूजी है, आपके पास जो है आप वो ले सकते हैं। तो हलवा बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई पे 200 ग्राम घी लिया है। घी को हम लोग लो फ्लेम पे ही मेल्ट करेंगे, इसको मीडियम या हाई फ्लेम पे नहीं मेल्ट करेंगे, नहीं तो घी जल जाएगा। इसको हमें लो फ्लेम पे मेल्ट करना है और जब तक हलवा घी पे ना बने तब तक उसका मज़ा नहीं आता। और ये वैसे भी कन्याओं के लिए बन रहा है तो मैं इसको घी पे ही बना रही हूँ, तो इसको मेल्ट होने देते हैं, थोड़ी देर गर्म होने देते हैं घी को। और अब ये घी गर्म हो चुका है तो यहाँ पे मैं अभी जो मैंने ये सूजी ली है इसको धीरे धीरे से डाल देंगे। और सूजी डालते टाइम फ्लेम लो होनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है घी ज़्यादा होता है तो ये बिल्कुल उछल के नीचे गिर जाता है, तो उस टाइम हाथ जलने का डर रहता है। तो लो फ्लेम पे ही हम इसे कंटिन्यू स्टियर करते हुए सूजी को भूनेंगे। सूजी को हमें लो फ्लेम पे भूनना है, तेज फ्लेम पे भूनेंगे तो सूजी जल जाएगी लेकिन वो कच्ची रहेगी। तो ये ध्यान रखिए फ्रेंड्स कि फ्लेम लो हो और लो टू मीडियम फ्लेम पे ही हमें सूजी को कंटिन्यू स्टियर करते हुए भूनेंगे, हम इसको छोड़ेंगे नहीं। हाथ थोड़ा थक जाता है इसको हिलाते हिलाते, लेकिन टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो इसे मैं कंटिन्यू स्टियर करती रहती हूँ। तो देखिए यहाँ पे सूजी को भूनते हुए 5-10 मिनट हो चुके हैं और इसे मैं लो टू मीडियम फ्लेम पे कंटिन्यू स्टियर कर रही हूँ। और देखिए यहाँ पे सूजी का कलर भी चेंज हो गया है और खुशबू भी आने लग गई है। और यहाँ पे मैं थोड़े बादाम डाल दूँगी और बादाम को भी अभी 2-3 मिनट अच्छे से भून लूँगी कंटिन्यू स्टियर करते हुए। आप यहाँ पे ड्राई फ्रूट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो आपको अच्छे लगते हैं किशमिश कुछ भी डाल सकते हैं, तो मैं सिर्फ बादामी डाल रही हूँ। और अब मैं यहाँ पे 2-3 चम्मच डेसिकेटेड कोकोनट डालूँगी। आप यहाँ पे फ्रेश नारियल भी डाल सकते हैं, मेरे पास अभी यही वाला नारियल था तो इसलिए मैं यही वाला नारियल डालूँगी, नारियल का बूरा, और इसे भी 2-3 मिनट भून लेंगे अच्छे से। और अब मैं यहाँ पे एक कटोरी चीनी डाल रही हूँ। चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, मैं थोड़ा ज़्यादा चीनी डाल रही हूँ क्योंकि मुझे सूजी के हलवे में चीनी थोड़ा तेज पसंद है, तो इसलिए मैं थोड़ा यहाँ पे शुगर ज़्यादा ले रही हूँ। बाकी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग सूजी कम ज़्यादा कर सकते हैं। अभी ने भी मैं अच्छे से मिक्स करके इसको थोड़ी देर भून लूँगी सारी चीज़ों को जो मैंने इसमें डाला है। और देखिए ये कंटिन्यू स्टर करते हुए सारी नारियल और ड्राई फ्रूट सब मिक्स हो चुके हैं, भून चुके हैं अच्छे से, तो इसी स्टेज तक हमें भूनना है और कलर भी चेंज हो गया है। और अब बीच में थोड़ा सा जगह बना लेंगे। और यहाँ पे मैंने आधा किलो सूजी ली थी तो मैं यहाँ पे 1 लीटर गर्म पानी डालूँगी, ये मैंने गर्म पानी करके रखा है। और इस गर्म पानी को मैं धीरे धीरे सूजी में डाल दूँगी और फ्लेम बिल्कुल लो होनी चाहिए और थोड़ा सा केयरफुल होना पड़ेगा यहाँ पे, क्योंकि जैसे ही हम गर्म पानी डालेंगे तो वो थोड़ा सा छींटे इसके ऊपर निकल के आते हैं, तो केयरफुल होके हमें इसे कंटिन्यू स्टियर करते रहना है पानी के साथ जब हम डालेंगे। तो ये देखिए इसे कंटिन्यू स्टियर करेंगे, यहाँ पे हमें इसे छोड़ना नहीं है नहीं तो इसके लम्स बन जाएंगे। और देखना अभी ये सारा पानी जो सूजी है वो एड्सॉर्ब कर लेगी, तो इसे कंटिन्यू स्टियर करते रहेंगे यहाँ पे हम। तो देखिए सारा पानी सूजी ने एड्सॉर्ब कर लिया है और यहाँ पे ये सूजी देखिए बनके तैयार हो चुकी है, ये बिल्कुल तैयार है प्रसाद मेरा कन्याओं के लिए। और कितना अच्छा हलवा बनके तैयार हुआ है, देखिए बिल्कुल भी नीचे नहीं चिपक रहा है। ये देखिए यही इसका तरीका है कि पानी डालने के बाद हमें इसे इस स्टेज तक पकाना है जब ये हलवा कढ़ाई को बर्तन को छोड़ दे, तब तक हमें इसे कंटिन्यू स्टर करते हुए पकाना है। तो ये कंप्लीट परफेक्ट बन चुका है यहाँ पे सूजी का हलवा, बिल्कुल तैयार है, देखिए बिल्कुल भी पैन पे नहीं चिपक रहा है। इसे हमें अभी 2-3 मिनट और भूनना है, ये तैयार है। अब मैं इस स्टेज में यहाँ पे 1-2 चम्मच देसी घी जो है ऊपर से डालूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहते हैं तो डालिए यहाँ पे घी। यहाँ पे आटा ले लिया है पूरी बनाने के लिए, तो मैं इसमें थोड़ा सा अजवाइन डाल के बना रही हूँ, बहुत अच्छा टेस्ट और टेक्सचर आता है। हाथ में तो मैंने थोड़ा सा क्रश कर लिया है, हमारे साइड में
पूरी बनाते टाइम थोड़ा सा अजवाइन और थोड़ा सा ये जो कसूरी मेथी होती है इसको हाथों से ऐसे क्रश करके इसको भी डाल देते हैं। बहुत अच्छा टेस्ट आता है पूरियों का। और अब मैं इसका एक आटा लगा लेती हूँ नॉर्मल सा, जैसे हम पूरी के लिए आटा गूंथते हैं बस सिंपल वैसे ही आटा गूंथना है। आटा मैंने लगा लिया है और अब हम इसको पूरियां बनाते हैं। इसकी आटे का बॉल ले लिया है पूरी बनाने के लिए, इसको अभी हम रोल कर देंगे इस तरीके से और इसकी पूरियां बेल लेते हैं। और मैंने एक साइड कढ़ाई पे तेल गरम होने के लिए रखा है मीडियम फ्लेम पे। सारी मैंने पूरियां बेल ली है, अब एक एक करके हम इसको तल लेते हैं। तेल हल्का गरम हो गया है, ज्यादा गरम तेल में नहीं डालेंगे। इसको ऐसे साइड करते रहिए तो पूरी बहुत अच्छी फूलती है। और हल्का सा बीच में प्रेस करिए तो पूरी एकदम गोल फूल जाएगी। ये देखिए, देखिए फूल चुकी है। अभी इसको हम पलट देंगे और इसको भी हल्का से चारों तरफ से घुमा घुमा के इसको पका लेंगे। और हल्का सा इसको बीच में प्रेस करना होता है ताकि जो इसके किनारे हैं साइड वाले ये भी पक जाए अच्छे से। ये हो गई है, अभी मैं इसके साथ ही एक पूरी और डाल दूंगी। ये देखिए, और इसको हम निकाल लेंगे। जब जल्दी जल्दी बनाना होता है तो हम ऐसा ही करते हैं। इसको भी हल्के से प्रेस करिए। ये देखिए कितना आसानी से पूरियां फूल जा रही हैं। इसको भी अभी हम ऐसे हल्के से प्रेस करके दबा दबा के इसको कर लेंगे। ये देखिए, बस हल्का सा बीच में टच करना है क्योंकि जो किनारे होते हैं ना बहुत बार वो कच्चे रह जाते हैं पूरी के, तो बस ये कोशिश करिए कि हल्का सा इसको प्रेस करिए और इसके किनारे भी दब जाए। तो ये मेरे प्रसाद तैयार हो गया है कंजकों के लिए। अब मैं कंजकों की प्लेट लगा लेती हूँ उनके लिए। ऐसे में सारी पूरियाँ तलने के बाद ये इसको मैं अभी टिश्यू पेपर पे निकाल देती हूँ। तो ये मैंने कन्याओं का प्रसाद बना लिया है और मैं जा रही हूँ भोग लगाने के लिए। यहाँ पे एक फल और जो आप कन्याओं को गिफ्ट देना चाहते हैं वो रखिए। मैं हर साल नवरात्रियों में कन्याओं के लिए ऐसे ही प्रसाद बनाती हूँ, तो इस बार आप लोग भी मेरी ये वाली रेसिपी जरूर ट्राई करिए नवरात्रि में। देखा आपने कितना आसान है कन्या पूजन के लिए प्रसाद बनाना। मैं स्टेप बाय स्टेप एक एक करके धीरे धीरे ऐसे ही प्रसाद बनाती हूँ, तो आप लोग भी इस नवरात्रि में मेरे इस वाली रेसिपी को जरूर ट्राई करिए। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय माता दी।